नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज राजद कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ है। इसी दौरान सभी ने लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। वहीं पिता के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से पटना आ गई है और पूरा बिहार में जितने भी लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले लोग हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि मेरे नेता गरीब के नेता है, शोषित वंचित दलितों के मसीहा और रहनुमा माने जाते हैं। और मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा देश खतरे में है और ऐसे वक्त पर जब सावरकरवादी और गौडसेवादी जब देश को तोड़ना चाहते हैं तो लालू जी की उपस्थिति मुल्क में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आइए सुनते हैं क्या कहा है जगदानंद सिंह ने। खतरे में है और ऐसे वक्त पर जब सावरकरवादी या गौडसेवादी देश को तोड़ना चाहते हैं तो लालू जी की उपस्थिति इस मुल्क में सबसे अनिवार्य हो गई है। अकेला शख्स, अकेला व्यक्तित्व जो इन भारत को नुकसान करने वाले हैं, यहाँ पर लोकतंत्र को समाप्त करने वाले हैं, संविधान का विरोध करने वाले हैं, उनके खिलाफ अकेला राजद और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। याद रख लीजिए, ये जन्मदिन दिवस के अवसर पर राजद के सभी साथियों ने सफल दिया इन षड्यंत्रकारियों को, ये देश को खंडित करने वालों को, ये सावरकरवादी और गौडसेवादियों को, गांधी की हत्या करने वाले, कभी भी गांधी के विचार, लोहिया के प्रतिपक्ष की भूमिका और अंबेडकर साहब के संविधान पर खतरे नहीं, इनको बनने दिया जाएगा, इनको समाप्त किया जाएगा, भारत अखंड रहेगा जो आज है भारत, जहाँ धर्मांतरण नहीं होगा, उन्माद नहीं होगा, गरीबों की इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी। आज इसी वक्त पर अपने हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनके लंबे जीवन आगे नेतृत्व करने की उनको अवसर इस देश को मिले, यही पूरी कल्पना के साथ आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। आप सबों को और आप सबों के माध्यम से सभी अपने शुभेच्छियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लंबे जीवन की कामना करते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।